नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DBF के बारे में, यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। अब ये DBF है क्या भाई साहब? DBF जो है वो एक एग्ज़ाम है जो कि आप आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तब भी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तब भी कर सकते हैं। पहले मैं इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ और इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले आपको IIBF के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, IIBF जो है वही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और IIBF एक और एग्जाम कंडक्ट करता है जो है JAIIB का एग्जाम। अब ये क्या चीज होती है? ये जो होता है एक एग्जाम होता है जो कि बैंक पीओ होते हैं ना, IBPS पीओ, याद आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग में, तो वो बैंकिंग जॉब जो होती है बैंक पीओ वाली और SBI पीओ वाली, ये जो बैंकिंग जॉब्स होती है इनको एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि IIBF ही कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम होता है जूनियर एसोसिएट का एग्जाम, जिसको कहते हैं आप JAIIB। वही एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जो कि नॉन मेंबर्स के लिए, हम जैसे, आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए, जिसका नाम है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप 12वीं पास हो या आपका कोई दोस्त 12वीं पास है, अगर आप ग्रेजुएट हो या आपका दोस्त ग्रेजुएट है, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको मन है कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाए या वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये वाला कोर्स? देखिए, अगर आप ये वाला कोर्स में सिलेक्ट हो जाते, कोर्स में सिलेक्ट होने का मतलब अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास हो जाते, तकरीबन 3500 रुपये की फीस है पहली अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट के लिए थोड़ी और फीस, तीसरे अटेम्प्ट के लिए थोड़ी और फीस, ज़्यादा फीस नहीं, मतलब थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ते हैं अगर आप अटैम्प्ट लगा रहे हैं। अगर पहले अटैम्प्ट में के लिए कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 3500 रुपये देने हैं और आपके तीन एग्जाम होते हैं इसके अंदर, जो कि आप यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाके आप क्लिक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी, बहुत अच्छे से पूरी वेबसाइट का मैंने लिंक दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका दोस्त कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है और बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, तो उसको DBF का एग्जाम जो है वो जरूर देना चाहिए। अब उसको DBF का एग्जाम क्यों देना चाहिए सर? देखिए, इस PDF के अंदर बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, बहुत सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं DBF एग्जाम के, और ये जो PDF है ये मुझे IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होस्टिंग ऑफ रिज्यूमे ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑन IIBF वेबसाइट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे जो बैंक्स हैं इसीलिए वो आपका रिज्यूमे है वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। जब भी किसी बैंक को कोई प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं तो वो IIBF की वेबसाइट से रिज्यूमे उठा के लोगों को बुलाती है। और यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उसने इसको, यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस को जो कि IIBF कंडक्ट करवाता है, इसको एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना है। ठीक है, और वो जो इसके ये ऐसा समझता है कि ये क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि जो भी एक बैंकर है उसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें जो है ये सब आप नीचे वाले लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, जहां तक वीडियो देखिए भाई, वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स के लिए कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है भाई, यहां तक वीडियो देखिए ना भाई, वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।